सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम पेरीमीटर्स एंड एरिया चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कुछ पैरेललोग्राम्स के डायग्राम्स दिए गए हैं जिसमें बेस एंड हाइट गिवन है। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। फिगर वन में बेस हमें 7 सेंटीमीटर्स गिवन है। सो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर्स। हाइट 4 सेंटीमीटर थी इसलिए मैंने 4 सेंटीमीटर लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी, इसमें भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही कैलकुलेट करना है। सो लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। इस क्वेश्चन में बेस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। सो 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी, इसमें भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इक्वल्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस यहाँ पर है 2.5 सेंटीमीटर। सो 2.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे और हाइट इस फिगर में है 3.5 सेंटीमीटर। सो 3.5 सेंटीमीटर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज 875, और दो प्लेसेस के बाद डेसिमल। सो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ थर्ड पैरेललोग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट डी। इसमें भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है। सो पार्ट डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर लिख लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पर बेस है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। सो बेस की जगह 5 सेंटीमीटर एंड हाइट की जगह 4.8 सेंटीमीटर लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4.8, दिस विल गिव मी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट ई करते हैं। पार्ट ई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही हमें कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे। इट इज़ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और इस फिगर में बेस हमें दिया है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 4.4 सेंटीमीटर। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.4, दिस विल बी 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें इन ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पार्ट ए करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। यहाँ पर बेस हमें गिवन है फर्स्ट फिगर में, दिस इज 4, हाफ की जगह हाफ लिख लेंगे, बेस की जगह 4 लिखेंगे, और हाइट 3 गिवन है। सो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 बी, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज़ हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाफ एज इट इज़ लिखेंगे। बेस इस क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, सो यहाँ 5 लिख लेंगे एंड हाइट इज 3.2। सो यहाँ पर 3.2 लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.2, दिस इज 16। सो 16 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गिव मी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकेंड ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सी।
इस क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसका बेस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। सो पार्ट सी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हाफ बेस हमें गिवन है 3, सो यहाँ 3 लिख देंगे और हाइट की प्लेस में 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4, सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज हाफ बेस इनटू हाइट, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ बेस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर्स गिवन है, सो 3 लिख देंगे एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर्स, सो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पार्ट सी, दिस इज 6 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पार्ट डी इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज पार्ट ए। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, इसमें हमें बेस गिवन है, बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, दिस इज 246 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन मार्क मैंने पुट कर दिया क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इक्वल्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया की प्लेस में 246, बेस की प्लेस में 20 और हाइट की प्लेस में h। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे, h विल बी 246 डिवाइड बाई 20। इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 1, 2 एंड 3, और क्योंकि नीचे 0 है सो बीच में एक डेसिमल आ जाएगा, सो हाइट इन दिस क्वेश्चन इज 12.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से पार्ट डी करते हैं, पार्ट डी इसमें हमें हाइट एंड एरिया गिवन है, हमें बेस कैलकुलेट करना है। बेस का फॉर्मूला होगा, बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाई हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाई हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 154.5 एंड हाइट हमें गिवन है 15, सो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 15 से, 15 1 15, देन 0 डेसिमल, 15 3 45, सो 10.3 सेंटीमीटर इज द बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम। आई होप ये भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी इसमें भी हमें हाइट एंड एरिया गिवन है, हमें बेस कैलकुलेट करना है, सो बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय हाइट। एरिया यहाँ पर हमें गिवन है, सो वैल्यूज पुट कर देते हैं, एरिया इज 48.72 मैंने लिख दिया और हाइट हमें गिवन है 84, सो 48.72 को 84 से डिवाइड करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले डेसिमल्स रिमूव कर लेते हैं, 4872 यहाँ पर 100 आ जाएगा, इधर 8.4 है सो 84 और न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 8, 4 1 4, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, देन 32, 4 8 32। अब ये 3 से डिविजिबल है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 3 4 12, देन 0, देन 6। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास है 406 डिवाइड बाई 70, इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35 एंड 56, ये 8 टाइम्स जाएगा एंड नीचे 10 है उसका यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, सो 5.8 सेंटीमीटर इज बेस। नाउ पार्ट डी करते हैं, पार्ट डी इसमें हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट विल बी, हाइट इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई बेस, यहाँ पर हाइट में टी लगा देते हैं, एरिया इज 16.38, सो यहाँ पर 16.38 लिख देंगे एंड यहाँ पर बेस आ जाएगा 15.6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे,
1638 और यहाँ पर आ जाएगा 1560। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1.05 सेंटीमीटर। सो हाइट इन दिस क्वेश्चन इज 1.05 सेंटीमीटर। बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको मैंने समराइज करके लिख दिया है। सो द मिसिंग वैल्यूज आर, मैंने हाईलाइट किया है, पार्ट ए में हमसे हाइट पूछी थी, सो दैट इज 12.3 सेंटीमीटर। पार्ट बी में बेस पूछा था जो 10.3 सेंटीमीटर आया। पार्ट सी में भी बेस पूछा था जो कि 5.8 सेंटीमीटर आ रहा है। एंड पार्ट डी में हाइट पूछी थी जो कि 1.05 सेंटीमीटर आती है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कॉलम ए में बेस गिवन है, कॉलम बी में हाइट एंड कॉलम सी में एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर हम इसके मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए करते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सो ये पार्ट वन है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 87 गिवन है, हाफ की जगह हाफ लिखेंगे, बेस हमें 15 गिवन है, सो 15 आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे। h विल बी 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 15। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों 3 से डिविजिबल हैं, सो 3 5 आ 15 यहाँ लिख देंगे, 3 2 आ 6 एंड 3 9 आ 27। सो दिस इज 29 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 2 जा 58, सो 58 अपॉन 5। इसको भी डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन 30, सो 6 टाइम्स 11.6 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2। इसमें हमें बेस कैलकुलेट करना है। सो बेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बेस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया डिवाइड बाई हाइट। सो 2 टाइम्स एरिया, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 एरिया दिया है 1256, सो यहाँ पर 1256 हमने लिख दिया। एंड हाइट हमें गिवन है 31.4, सो 31.4 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सबसे पहले 2 से कट कर देते हैं, 2 वन ज़ा 2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 वन ज़ा 2 देन 11, 2 फाइव ज़ा 10 देन 7, 15.7 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1256 को 157 से डिवाइड करेंगे, दिस विल गिव मी 80। और क्योंकि यूनिट्स मिलीमीटर में दी गई हैं, सो बेस विल बी 80 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमें बेस एंड एरिया गिवन है, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। सो हाइट के लिए हमारे पास है फॉर्मूला, हाइट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया डिवाइड बाई बेस। बच्चों ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से ही आया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस इक्वेशन में मैं हाफ वाले 2 को एरिया की साइड लेके चली जाऊंगी, सो 2 टाइम्स एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। यहाँ से हम बेस का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, बेस विल बी 2 टाइम्स एरिया अपॉन हाइट। और इसी तरह से हाइट का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, हाइट विल बी 2 टाइम्स एरिया अपॉन बेस। सो ये दो फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे बेस और हाइट के लिए फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। आई होप दिस इज क्लियर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, हाइट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया अपॉन बेस। यहाँ पर एरिया हमें गिवन है, इट इज़ 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और बेस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर्स, सो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 11 आएगा, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 वन ज़ा 11 बचा 6, 60, 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, देन डेसिमल अगेन 5 टाइम्स, सो हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 15.5 सेंटीमीटर्स। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, सी फिगर 11.23। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। आप फिगर में देख सकते हैं, दिस इज QM, दिस इज हाइट फ्रॉम Q टू SR। सिमिलरली QN इज हाइट फ्रॉम Q टू PS। इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR यहाँ पर 12 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज SR, दिस इज 12 सेंटीमीटर। एंड QM हमें गिवन है, दिस इज 7.6 सेंटीमीटर।
हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट, अगर आप फिगर को देखें तो यहाँ पर बेस एस आर हमें गिवन है, दिस इज 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे, और हाइट है 7.6 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर हाइट की वैल्यू मैंने लिख दी। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया इज बेस इंटू हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन एरिया विल बी 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट बी कैलकुलेट करते हैं। पार्ट बी में हमें क्यू एन फाइंड आउट करना है, हमें पी एस 8 सेंटीमीटर्स गिवन है, सो पी एस मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर्स लिख लिया। अब हमें क्यू एन की वैल्यू निकालनी है। बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया सेम रहेगा, हम किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। सो सबसे पहले हमने बेस माना था एस आर को और हाइट लिया था 7.6 सेंटीमीटर। इसी तरह से पार्ट टू करने के लिए मैं इस पैरेललोग्राम में बेस मानूंगी पी एस को और हाइट लूंगी क्यू एन, और फिर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, बट अब मैं बेस यूज कर रही हूँ पी एस को, सो पी एस मल्टीप्लाइड बाई क्यू एन, दिस विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने पार्ट वन में ऑलरेडी निकाल लिया है, सो 91.2 ये मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखा, दिस इज इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाइड बाई क्यू एन। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, बेस पी एस जो है वो 8 सेंटीमीटर्स गिवन है, सो यहाँ पर 8 लिख देंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई क्यू एन। अब यहाँ से क्यू एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, क्यू एन विल बी 91.2 डिवाइड बाई 8, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो हम डेसीमल रिमूव कर देते हैं, ये डेसीमल हटा देंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो दिस इज 912 डिवाइड बाई 80। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, देन 11, अगेन 4 2 8 एंड 32, 4 8 32, सो 228 डिवाइड बाई 20, अगेन ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20 एंड 4 7 28, सो दिस इज 57/5, इसको भी डिवाइड कर देंगे और इससे हमें मिलेगा 11.4 सेंटीमीटर्स। सो क्यू एन इज इक्वल्स टू 11.4 सेंटीमीटर्स। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डी एल एंड पी एम आर द हाइट्स ऑन साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फिगर 11.24। इसमें देखिए, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी इज 35 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 49 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल। बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका एरिया हमें गिवन है, उसकी साइड्स भी हमें गिवन है, बस हमें हाइट्स कैलकुलेट करनी है बी एम एंड डी एल। सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दिस इज बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया है 1470, बेस सबसे पहले मैं ए डी ले लेती हूँ, सो बेस की प्लेस में मैंने ए डी लिख दिया और हाइट की प्लेस में बी एम, अगर बेस ए डी है तो हाइट बी एम होगी, आप फिगर में देख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ए डी हमें गिवन है 49, बी एम हमें कैलकुलेट करना है, सो बी एम इज इक्वल टू 1470 डिवाइड बाई 49, इसको डिवाइड कर लेंगे 49 से, 49 3 147, सो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, देयरफोर बी एम इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब हम डी एल कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एरिया इज 1470, सो 1470 लिख लिया, बेस यहाँ पर अब मैं ए बी लूंगी और ए बी के साथ हाइट हो जाएगी डी एल, सो ए बी मल्टीप्लाइड बाई डी एल, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 35 मल्टीप्लाइड बाई डी एल, 1470 इधर रहेगा, यहाँ से हम डी एल की वैल्यू निकालेंगे, डी एल विल बी 1470 डिवाइड बाई 35,
इसको डिवाइड कर देते हैं 35 1 35 एंड 35 4 140, फिर बचा 70, सो 35 2 जा, दिस गिव्स मी डी एल इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर्स। सो हमसे दो चीज़ें पूछी थी, बी एम एंड डी एल। बी एम इज 30 सेंटीमीटर्स एंड डी एल इज 42 सेंटीमीटर्स। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए। आप फिगर में देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्रीज है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया ए डी एंड बी सी, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। इफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 13 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यहाँ पर बेस हम ए बी कंसिडर करेंगे 5 सेंटीमीटर और हाइट ए सी कंसिडर करेंगे। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, हाफ बेस की जगह मैं 5 ले रही हूँ ए बी, और हाइट की जगह मैं 12 ले रही हूँ डेट इज़ ए सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा एंड 6 5 30, सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम बेस कंसीडर करेंगे 13 सेंटीमीटर, उससे हमें हाइट ए डी पता चल जाएगी। अगेन एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया है ये 30 लिख देंगे, हाफ की जगह हाफ, बेस की प्लेस में मैं बी सी ले रही हूँ इस बार 13, और हाइट की प्लेस में मैं ए डी ले रही हूँ। हमें ए डी कैलकुलेट करना है, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए डी इज 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 13। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 60/13, सो ए डी इज 60/13 सेंटीमीटर्स। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 9 सेंटीमीटर्स। सी फिगर, द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वॉट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी एंड सी ई। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी सी एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसमें ए बी एंड ए सी इक्वल साइड्स हैं। सो ये दोनों मैंने इक्वल साइड्स ली हैं, थर्ड साइड है बी सी जो कि हमें 9 सेंटीमीटर्स गिवन है और इसकी हाइट हमें 6 सेंटीमीटर्स गिवन है। सो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर मैं बी सी लूँगी और हाइट मैं ए डी लूँगी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस इज हाफ, बी सी 9 सेंटीमीटर्स है सो 9 एंड ए डी 6 है, सो यहाँ पर 6 लिख देंगे, 2 से ये कट जाएगा 3, सो एरिया इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया आता है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसी ट्रायंगल का एरिया मैं दूसरे तरीके से कैलकुलेट करूंगी। इस बार मैं बेस लूंगी ए बी, आप फिगर में देखिए ए बी, और इसकी हाइट हम लेंगे सी ई। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, बेस की प्लेस में मैं लिखूंगी ए बी और हाइट की प्लेस में मैं लिखूंगी सी ई। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया हमने कैलकुलेट किया था सो यहाँ पर 27, हाफ की प्लेस में हाफ, ए बी हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर सो यहाँ पर 7.5 मल्टीप्लाइड बाई सी ई। यहाँ से सी ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सो सी ई इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 7.5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 27 2 54, सो 54/7.5, पॉइंट हटा देंगे और उसका जीरो ऊपर आ जाएगा, सो 540 डिवाइड बाई 75। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 25 75, सो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 3 1 3 24, 3 8 एंड 0, 180/25।
इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 थ्री ज़ा 15 एंड 30, सो 6, 36 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 सेवन ज़ा 35 एंड 5 टू ज़ा 10, सो 7.2 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, दैट इज सी ई, दिस इज 7.2 सेंटीमीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए, अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।